नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सभी चलते हैं, आज के वीडियो में जानते हैं कि 2021 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा। और जो 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, और सूतक लगने से पहले ही आपके यहाँ दूध है और भोजन जो भी है, ग्रहण लगने से पहले आप उसमें तुलसी दल डालें और कुश डाल दें, जिससे वो वस्तु खराब ना हो। और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय हो सके तो नींद ना लें, यानी कि सोना नहीं चाहिए, और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, कोई पाठ करना चाहिए, गीता, भगवद्गीता, श्री रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथों का अवलोकन करने से अपार पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम सूतक में जो ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या मकर संक्रांति हो, या नालक छेदन से बालक के नालक छेदन से पहले जो भी दान पुण्य किया जाता है उस समय, वो अक्षय फल देने वाला होता है। अक्षय का अर्थ है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। तो चलिए जानते हैं 21 जून दिन रविवार के दिन मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण को हम किस तरह से राशि में देखें, क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। बात करें मेष राशि की, और मेष राशि वालों के लिए जो नाम से पड़ता है चूचे चो लाली लू ले लो अ, तो इन जिनका इससे नाम प्रारंभ होता है उनकी राशि है मेष राशि। और मेष राशि से पराक्रम भाव में ये जो है सूर्य ग्रहण आपका आर्थिक पक्ष मजबूत करेगा, कार्य व्यापार में उन्नति होगी, आपके साहस धैर्य की लोग सराहना भी करेंगे, आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे, सफल होंगे। बस आपको ये ख्याल रखना है कि आपके बड़े सदस्यों जो घर में हैं उनमें मतभेद ना पैदा हो। वृषभ राशि वालों की बात करें ई ऊ ए ओ वा वी ऊ वे वो, इन अक्षरों से जिनका नाम पड़ता है उनकी राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए धन भाव में पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण थोड़ी कलह उत्पन्न कर सकता है, अशांति दे सकता है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है, और आप दाहिनी आँख का ख्याल रखें, परिवार में अलगाव ना पैदा होने दें किसी भी स्थिति में, और कर्ज लेने देने से आपको बचना चाहिए, विवादों से दूर रहेंगे तो ही अच्छा होगा। बात करें मिथुन राशि वालों की, तो मिथुन राशि वालों के लिए ऐसी जो जिनका नाम है काकी कू घ अंग छ के को हा, तो इन लोगों के लिए ये कष्टकारी हो सकता है समय आने वाला, इसलिए आप जिद ना करें, चिड़चिड़ापन आपके भीतर ज़्यादा है तो उसको नियंत्रण में रखें, यात्रा सावधानी पूर्वक करें, कोई दुर्घटना ना हो पाए तो आप अच्छे से गाड़ी चलाएं और मधुर संबंध बनाए रखें। बात करें कर्क राशि की, ही हु हे हो डा डी डू दे डो, ये कर्क राशि वाले हैं, तो इन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आप बाई आँख का अपना ख्याल रखें, हृदय रोग होने से बचें और ऐसा कुछ ना खाएं, और कोर्ट कचहरी में न जाएं, कोई मामला उलझ भी जाए तो उसे सुलझाएं, अच्छा होगा। किसी संबंधी या मित्र के द्वारा आपको थोड़ा दुखद समाचार मिल सकता है, आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है, चोट लगने से आपको बचना होगा। और सिंह राशि वालों की बात करें मामी मो मे मो टा टी टूटे, तो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण आपके भाग्य में उन्नति के दरवाजे खोल रहा है, और नौकरी में पदोन्नति और विदेशी कंपनियों में भी सर्विस आदि का आपके लिए अवसर अच्छा है, और आय के आपके साधन बढ़ेंगे, लेकिन आप बड़े लोगों से मतभेद ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बात करें कन्या राशि वालों की, तो टो पा पीपू श ड ठ पे पो, तो इन राशि वालों को जो कन्या राशि हैं तो ग्रहण जो पड़ रहा है माता पिता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और कार्य क्षेत्र में आप किसी का
शिकार हो सकते हैं, कोई षड्यंत्र कर सकता है। इसलिए आप तो बहुत ख्याल रखें और सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी दांव पे लग सकती है, बचकर रहें। बात करें कन्या राशि के बाद अब तुला राशि, और तुला राशि वालों के लिए जो नाम से पड़ता है तुला राशि, रारी रू रे रो ताती तूते, तो तुला राशि वालों के लिए आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान रखना होगा। संतान संबंधी चिंता आपको परेशान कर सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगाएं, यानी कि आपका 6 नंबर तो आना ही चाहिए, इसलिए आप परेशान ना हों, ईश्वर का नाम लें, सब अच्छा होगा। बात करें वृश्चिक राशि वालों की, तो इन राशि वालों का नाम तो नानी नू ने नो या ई यू, तो इससे पड़ता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले अष्टम भाव में पड़ने वाला ग्रहण स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभावकारक सिद्ध होगा। आपको पेट संबंधी या अन्य कोई रोग हो सकता है, विकार से आपको बचना होगा। आपको आकस्मिक धन लाभ भी होगा और काफ़ी दिनों से आप पर गया हुआ पैसा वापस मिलेगा, तो ये अच्छी है बात। धनु राशि वालों की बात करें, ये यो भाभी भू ध था ताप है, तो इन राशि वालों मतलब धनु राशि वालों के लिए बात है राशि से जो सप्तम भाव में पड़ने वाले इस ग्रहण के प्रभाव दाम्पत्य जीवन में आपके कटुता आ सकती है, इसलिए आपसी विवाद ना करें, प्रेम बना के रखें। आपका यात्रा देशाटन भी हो सकता है, पैसा अधिक खर्च हो सकता है और कष्ट कर आपको थोड़ा समाचार भी मिल सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, पहले से पेशेंस बना के रखना है। बात करें मकर राशि वालों की, और मकर राशि वालों का नाम जो है भो जा जी खी खू खा खो गा गी। मकर राशि वालों के लिए राशि के 6ठे भाव में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण मिला जुला फल देगा। ऋण रोग और शत्रु आपको तंग करेंगे, गुप्त शत्रुओं से आप बचें। कोर्ट कचहरी के मामले हों तो बाहर ही सुलझा लें और बेवजह पैसा समय ना बर्बाद करें, अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंता और परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन आपके द्वारा जो भी निर्णय किया जाएंगे उस कार्य की सराहना भी होगी। कुंभ राशि की बात करें, तो कुंभ राशि वालों का नाम जो पड़ता है गु गे गो सा सी सु से सोदा। कुंभ राशि वाले पंचम भाव में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो रोमांस के मामलों में उदासीनता लाने वाला है। प्रेम विवाह में कुछ देर से निर्णय विलंब से हो सकता है। संबंध अगर आप विवाह आपका हो चुका है तो संतान संबंधी चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। विद्यार्थी हैं तो आपको विशेष अपना ख्याल रखना होगा पढ़ाई के मामले में। और बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो दी दू था झा दे दो चाची। मीन राशि वालों के लिए ये पारिवारिक कलह, मानसिक अशांति, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। यात्रा आपको अच्छे से सावधानी पूर्वक करना है और अपना सामान चोरी होने से बचाएं, चोरी हो सकती है और आपको थोड़ा अच्छा अवसर भी मिल सकता है, तो ये बहुत तरह से अच्छा भी है। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे सूर्य ग्रहण के समय 21 जून को, तो अच्छा होगा कि आप ग्रहण के समय सोएं ना और कुछ पाठ अवश्य करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 21 जून को कंकड़ सूर्य ग्रहण है और ग्रहण आकाशीय घटनाओं में सबसे विलक्षण और दुर्लभ घटना मानी जाती है। ग्रहण में भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत गहरा है। वैदिक काल से ही मान्यता है कि सूर्य ग्रहण पृथ्वीवासियों के लिए किसी चेतावनी का संकेत है। तो 21 जून 2020 को पड़ रहा है ये जो ग्रहण है, भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:16 से दोपहर 3:04 तक घटित होगा और फिर 9:55 से दोपहर 2:35 तक अलग अलग समय पर भारत में दिखाई देगा। और इस समय आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है और तो अच्छा होगा, भगवान के नाम का कीर्तन करें, ईश्वर आप सभी का मंगल करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ आप सभी के बीच में नई कुछ लेकर रोचक जानकारियाँ। तो दोस्तों, आप सभी हमारे साथ बने रहें, आगे भी नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। इसके लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का, दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।